अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, कैसे हैं आप? ठीक हैं? होप सो आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर, ठीक है। एंड टुडे इज़ आर सेकंड लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हमारा जो है सेकंड लेक्चर है मैथमेटिक्स का, ठीक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो टॉपिक शुरू किया था, सबसे पहले तो कार्ड कवर फिलअप किया था। मैडम आपको अगेन बता देती हैं कि आपने पहले कार्ड कवर मस्ट फिल करना है, ठीक है। देन हमने प्लेस वैल्यूज़ को डिस्कस किया, टॉपिक हमारे पास था प्लेस वैल्यू, हमने प्लेस वैल्यू को डिस्कस किया, ठीक है। देन हमने जो है फिर कॉमर्स वगैरह पुट किए, मीन्स कॉमर्स से हम फैमिली को सेपरेट हमने किया। फिर हमने किया राइट एंड न्यूमेरल्स भी हमने किया कि आपको इन स्पेलिंग्स गिवन होंगे, इनवर्ड्स गिवन होंगे, आपने उसको इन न्यूमेरल्स लिखना है। हमने हर एक क्वेश्चन फिर था कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग, हर एक डिजिट को सेपरेटली उसकी प्लेस वैल्यू भी बताई, सेपरेटली फुल स्पेलिंग्स भी लिखे। आज का हमारा सेकंड लेक्चर में टॉपिक है राइट इन वर्ड्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में राइट इन न्यूमेरल्स किया था, मींस आपको स्टेटमेंट गिवन थी, आपने उसको नंबर्स चेंज करना था। अब आपके पास है राइट इन वर्ड्स, मींस आपको नंबर्स गिवन है, आपने इसको चेंज करना है इन वर्ड्स। अब आप इसको इन वर्ड्स कैसे चेंज करेंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि आया इस हर एक डिजिट की क्या प्लेस वैल्यू है, इसका क्या नेम है, हम इसको कैसे प्लेस वैल्यू देंगे। मैडम ने आपको बताया था कि आप हमेशा प्लेस वैल्यू जो है वो एंड से स्टार्ट लोगे और सबसे पहले आपके पास प्लेस वैल्यू आएगी, दैट इज़ वंस, ठीक है। बच्चे आपको जो नंबर्स गिवन है ना, ठीक है, आप जो है सबसे पहले इसको प्लेस वैल्यू दो, फिर इसको रीड आउट करो, वन टाइम टू टाइम रीड आउट करो। जब आप पहले प्लेस वैल्यू दे दोगे, ठीक है, जब आपने प्लेस वैल्यू दे दो, आपको पता भी चल जाएगा कि आया आपकी नोटेशन जो है आपकी प्लेस वैल्यू कहाँ तक जाती है, ठीक है। आप सबसे पहले जो है वो प्लेस वैल्यू दे दोगे, जब आपने प्लेस वैल्यू दे दी, ठीक है, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा स्पेलिंग्स में इन वर्ड्स इसको लिखना, ठीक है। अच्छा जी, तो हम सबसे पहले जो है वो प्लेस वैल्यू देते हैं। प्लेस वैल्यू बच्चे हमेशा आपको मैडम ने प्रीवियस लेक्चर में भी यही बताया था कि आपने हमेशा जो है जब आप प्लेस वैल्यू दोगे, यू विल बी स्टार्ट फ्रॉम द एंड साइड, आपने एंड साइड से प्लेस वैल्यू देना स्टार्ट करना है। और सबसे पहले आपके पास क्या आएगा प्लेस वैल्यू में, वंस, नेक्स्ट आपके पास आएगा टेंस, नेक्स्ट आएगा हंड्रेड, ठीक है। फिर इस कॉमा से मैंने फैमिली को सेपरेट किया है, नेक्स्ट आपके पास है थाउजेंड, नेक्स्ट आपके पास है टेन थाउजेंड, एंड लास्ट आपके पास नोटेशन गई है हंड्रेड थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, ठीक है बच्चे। जब आपने नंबर्स को प्लेस वैल्यू दे दी, फिर आपके लिए इजीली है इसको रीड आउट करना और इजी है इसको लिखना। अच्छा जी, तो अब आपके लिखने का तरीका कैसे होगा, आपने सबसे पहले इसको प्लेस वैल्यू दे दी, अब आप इसको कैसे रीड आउट करोगे, देखें, सेवन हंड्रेड, सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन थाउजेंड, कैसे रीड आउट करेंगे, सेवन हंड्रेड, ऐसे नहीं करना कि सेवन हंड्रेड थाउजेंड, नो, सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन। अगर आप देखो बच्चे, जब आम रूटीन में भी अगर आप अपने बाबा से पॉकेट मनी वही बात लेते हो, तो आप कहते हो ना सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन रुपीज़ दे, सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी दे, फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी दे, फाइव हंड्रेड एंड टेन दे। सपोज आप अपनी नोटबुक्स लेते हो, आपकी नोटबुक जो है वो फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी की आती है, फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी की आती हैं, तो आप ये तो नहीं बोलते ना कि फाइव फाइव जीरो दो, फाइव टू जीरो दो, नो, आप पूरा बाबा को बोलते हो, अपनी मम्मा को, कि फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी रुपीज़ दें या फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज़ हमें दे, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपने इसको पहले अच्छे तरीके से रीड आउट करना है कि आया हम इसको रीड आउट कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको कैसे रीड आउट करना है, सेवन हंड्रेड, सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन, कौन सी फैमिली चल रही है, थाउजेंड की, ठीक है, सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन थाउजेंड एंड एटी थ्री। अब देखिए यहाँ पे भी वही बात कि आपके पास जो है वो हंड्रेड की फैमिली में जो है वो मेंबर स्किप है, एब्सेंट है, हमने यहाँ पे ज़ीरो पुट किया हुआ है, तो आप ज़ीरो एटी थ्री बोलोगे, नो, ज़ीरो मीन्स नथिंग, आप कैसे बोलोगे, एटी थ्री मीन्स सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन थाउजेंड, सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन थाउजेंड एंड एटी थ्री, ठीक है, सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन थाउजेंड एटी थ्री। अब आपने लिखना कैसे है, आपने वन टाइम टू टाइम इसको अच्छे तरीके से रीड आउट कर लो, जब आप अच्छे तरीके से इसको बच्चे रीड आउट कर लोगे, देन यू विल राइट सेवन हंड्रेड, सेवन की स्पेलिंग तो आपको आते हैं, सेवन हंड्रेड, ठीक है, सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन थाउजेंड, सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन, अब कौन सी फैमिली चल रही है, थाउजेंड की, तो मैडम ने कैसे लिख लिया, सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन थाउजेंड, जो फैमिली चलेगी ना उसको आपने एंड में लिखना है, ठीक है ना, सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन थाउजेंड, नेक्स्ट क्या है, एटी थ्री, नाउ आप एंड एटी थ्री भी लिख सकते हो, एंड एटी थ्री, अब जीरो एटी थ्री तो हम लिखने से रहे, ठीक है, जीरो हमने, जीरो मीन्स नथिंग, जीरो का मतलब है कि आपके पास जो है वो मेंबर जो है वो एब्सेंट है, ठीक है, सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन थाउजेंड एंड एटी थ्री, हम इसको एट थ्री तो नहीं पढ़ते ना,
जब भी आप टेंस के नंबर को पढ़ते हो तो आप 83, 85, 21, 27 पढ़ते हो, 21, 31, 81, 82, 83 ऐसे तो नहीं रीड आउट करते ना, जैसे आप वर्बली बोल रहे हो ना मुंह से, इसी तरह आपने एक्स्ट्रा स्पेलिंग भी लिखने हैं, ठीक है। नाउ 721,083, ठीक है, आपने ये जो है आपको इन नंबर्स गिवन था, आपने इसको इन वर्ड्स लिख लिया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपने इसको क्या लिखना है, इन वर्ड्स लिखना है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास जो है, नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट आप इसका देखें। सेकंड पार्ट में भी आपने क्या करना है बच्चे, सबसे पहले इसको प्लेस वैल्यू देनी है, ठीक है। मैडम वंस स्टार्ट लेती हैं, वंस टेंस, मैडम अगेन बता देती हैं कि जब भी आप प्लेस वैल्यू दोगे यू विल बी स्टार्ट फ्रॉम द एंड साइड, आप हमेशा एंड साइड से जो है वो प्लेस वैल्यू दोगे। वंस टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड, ठीक है। वंस टेंस हंड्रेड, यहाँ पे आप यूनिट लिख रहे हो तो भी ठीक है, ठीक है बच्चा। वंस टेंस हंड्रेड, आपके पास फैमिली सेपरेट हो गई, थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड। अब हमारी नोटेशन कहाँ तक गई है, टेन थाउजेंड तक, मीन्स के हम आगे हंड्रेड थाउजेंड में कोई मेंबर है, नो। तो हमें आगे हंड्रेड थाउजेंड का जब कोई मेंबर ही नहीं है तो फिर हमें लिखने की क्या ज़रूरत है। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपके पास हंड्रेड थाउजेंड तक नोटेशन गई थी ना, प्लेस वैल्यू गई थी, यहाँ पे आपके पास टेन थाउजेंड तक नोटेशन गई है, तो आप टेन थाउजेंड तक ही जो है वो इन स्पेलिंग्स लिखोगे। अब आपके पास है देखें सेवन फोर, अब आप सेवन फोर थाउजेंड पढ़ोगे, नो, सेवेंटी फोर। हम टेंस के नंबर को हमेशा मिला के पढ़ते हैं, लाइक सेवेंटी फोर, थर्टी फोर, फिफ्टी फोर, सेवन फोर, फाइव फोर, सिक्स फोर, थ्री फोर, ऐसे तो नहीं रीड करते ना, सेवेंटी फोर, सेवेंटी फोर। नाउ यू विल राइट सेवेंटी फोर, सेवेंटी फोर कौन सी फैमिली चल रही है, थाउजेंड की, सेवेंटी फोर थाउजेंड, सेवेंटी फोर थाउजेंड, ठीक है, कॉमा। अब नाइन हंड्रेड, नाइन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स कैसे पढ़ेंगे, नाइन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स मीन सेवेंटी फोर थाउजेंड, नाइन हंड्रेड, अब नाइन थर्टी सिक्स हंड्रेड नहीं लिखना बच्चे, नाइन हंड्रेड, नाइन हंड्रेड, ठीक है, नाइन हंड्रेड थर्टी सिक्स। हम हमेशा बच्चे टेंस के नंबर्स को मिला के पढ़ते हैं, टेंस में जो नंबर होते हैं उसको मिला के पढ़ते हैं, हंड्रेड को साथ मिला के नहीं पढ़ते, लाइक हमने ऐसे नहीं पढ़ना, देखिए थर्टी सिक्स हम एक साथ पढ़ रहे हैं ना, नाइन हंड्रेड, नाइन हंड्रेड को हम हमेशा सेपरेट पढ़ते हैं, हंड्रेड किसी का फ्रेंड नहीं होता, ठीक है ना, वंस का फ्रेंड टेंस हो जाता है लेकिन हंड्रेड किसी का फ्रेंड नहीं होता, ये याद रखें, ठीक है। आपके पास नाइन हंड्रेड, देखिए मैं नाइन हंड्रेड को सेपरेट पढ़ रही हूँ, तो मैंने लिखा भी सेपरेट ही है, नाइन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स, बेशक आप एंड लिख सकते हैं, एंड अब थर्टी सिक्स में रीड आउट करूँ, क्योंकि टेंस और वंस को हमेशा हम मिला के पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं, हंड्रेड किसी का फ्रेंड नहीं है इसलिए हंड्रेड को हम हमेशा सेपरेट ही पढ़ेंगे, नाइन हंड्रेड, देखिए मैंने लिखा भी है नाइन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स, नाइन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स, ठीक है। सेवेंटी फोर, सेवन फोर थाउजेंड तो नहीं पढ़ते, हम हमेशा टेंस के नंबर्स को मिला के पढ़ते हैं, सेवेंटी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स, ठीक है, सेवेंटी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स। अच्छा जी, अब आपके पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट कौन सा है बच्चे, मैंने थ्री डिफरेंट टाइप्स आपको करके इसीलिए दिखा रही हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि आया जिधर आपके पास हंड्रेड थाउजेंड तक नोटेशन जाएगी तो आपने हंड्रेड थाउजेंड तक जिक्र करना है, जहाँ पे आपके पास टेन थाउजेंड तक नोटेशन जाएगी वहाँ तक आपने टेन थाउजेंड तक फिर उसको एक्सप्लेन करना है, लाइक इन वर्ड्स आपने लिखना है। अब आपके पास ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ये पार्ट देखें, अब इधर भी आपने सबसे पहले क्या करना है बच्चे, सबसे पहले आपने जो है इधर प्लेस वैल्यू देनी है, ठीक है, वंस टेंस एंड हंड्रेड, ठीक है, फिर आपके पास थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड लास्ट आपके पास है हंड्रेड थाउजेंड, ठीक है। अब आपने सबसे पहले तो इसको प्लेस वैल्यू दे दी, जब आपने इसको प्लेस वैल्यू दे दी तो अब आप इसको रीड आउट कैसे करोगे बच्चे, ये भी आपके पास जो है ना एक टाइप है। अब कैसी टाइप है, आपके पास है थ्री हंड्रेड, थ्री हंड्रेड, आपके पास थ्री हंड्रेड, अब इस थ्री जीरो टू को हम कैसे पढ़ते हैं, थ्री हंड्रेड एंड टू पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, ठीक है, थ्री हंड्रेड एंड थ्री, थ्री हंड्रेड एंड फोर, थ्री हंड्रेड एंड फाइव, ठीक है, ये तो नहीं पढ़ते ना कि जीरो का मेंबर। अब यहाँ पे देखें जीरो जो है वो हंड्रेड थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड के मिड में आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको कैसे रीड आउट, इसके रीड आउट करने का तरीका चेंज है, आप कैसे आउट करोगे, रीड आउट करोगे इसको थ्री हंड्रेड एंड टू थाउजेंड, थ्री हंड्रेड एंड टू थाउजेंड, थ्री हंड्रेड एंड टू, अब इसको आप कैसे रीड आउट करते हो देखें, थ्री हंड्रेड एंड टू, थ्री हंड्रेड एंड थ्री, थ्री हंड्रेड एंड फोर, ऐसे रीड आउट करते हो ना, तो आपने जिस तरह आप वर्बली बोल रहे हो इसी तरह आपने लिखना, रिटर्न भी इसी तरह लिखना है। कैसे लिखोगे आप, थ्री हंड्रेड, मैंने आपको कहा ना हंड्रेड किसी का फ्रेंड नहीं होता, हंड्रेड हमेशा सेपरेटली पढ़ा जाता है, थ्री हंड्रेड, थ्री हंड्रेड एंड टू,
302,000, 302,000, ठीक है, 302,000, कैसे बोल पढ़ा मैडम ने, 300 and 302,000। अब नेक्स्ट फैमिली पे आए वंस की फैमिली में। अब देखिए वंस की फैमिली में आपके पास 100 में भी एब्सेंट है, टेंस में भी मेंबर है एब्सेंट है, सिर्फ वंस में मौजूद है, तो आप क्या लिखोगे, 009? नो, आपने जस्ट लिखना है 9 and 9, ठीक है, 302,000 and 9, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 100 और 1,000 का मेंबर जो है वो स्किप था, वो एब्सेंट था, तो आपने उसको कैसे लिखा, एंड 9, ठीक है। मैडम अगेन बता देती हैं, 302,000, ऐसे नहीं बचे कि आप ऐसे लिखो 300 and 02,000, नो, जीरो मीन्स नथिंग, 302, इसको आप वर्बली कैसे रीड आउट करो, जैसे वर्बली रीड आउट करो इस तरह रिटर्न फॉर्म में भी आपने लिखना है 302,000 and 9, यहाँ पे 100 और 1,000 का मेंबर चूँकि एबसेंट है, आप सिंपल लिखोगे एंड 9, 009 नहीं लिखना, ठीक है ना, एंड 9। ये थी आपके पास थर्ड टाइप, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो हमारा टॉपिक था बच्चे प्लेस वैल्यू का, ठीक है, जो बेसिक टॉपिक हमारा मैथमेटिक्स का है, कि आपके पास पहला टॉपिक हमेशा जो है वो प्लेस वैल्यूज़ का होता है, कि आया हर एक डिजिट का क्या क्या नेम होता है, क्या क्या उसकी प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। अब आपके पास सेकेंड टॉपिक है, दैट इज़ एडिशन। यूँ तो सबको पता होगा कि व्हाट इज़ एडिशन, एडिशन मीन्स सम करना, ऐड करना, नंबर्स को जमा करना, ठीक है, आपको पता है ना कि एडिशन किसको बोलते हैं, एडिशन मीन्स एडिशन ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स, नंबर्स को आपस में क्या करते हैं, हम जमा करते हैं, प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि प्लस का साइन आपके पास कौन सा है, तो आपको ऑपरेशंस पता नहीं है कि हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, पहले आपके पास फर्स्ट बेसिक ऑपरेशन क्या होता है इन मैथमेटिक्स, एडिशन, सेकंड आपके पास सब्ट्रैक्शन, थर्ड आपके पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन, एंड लास्ट आपके पास है बच्चे डिवीजन, ठीक है। आपको मैं ये भी क्लियर कर दूं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का आपस में कनेक्शन है, ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का आपस में कनेक्शन होता है, जबकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का आपस में कनेक्शन होता है। इसी तरह मैं अब आगे जब लेक्चर्स आपको फॉरवर्ड करूंगी, जब लेक्चर्स डिलीवर करूंगी, तो आपको ये चीज़ फिर क्लियर हो जाएगी, आपको मैडम दोबारा भी फिर ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगी, ठीक है। अच्छा जी, अभी हमारा फर्स्ट बेसिक टॉपिक है, दैट इज़ एडिशन। एडिशन मीन्स नंबर्स को आपस में ऐड करना, सम करना, प्लस करना, ठीक है। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट वर्टिकली एंड सॉल्व। आपको जो है वो आपने इसको वर्टिकली लिख के फिर क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सॉल्व वर्ड है ना, यहाँ पे ऊपर एडिशन का जिक्र नहीं है, लेकिन देखें टू नंबर्स का आपस में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, इट्स मीन आपने इन दोनों का आपस में क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है, ठीक है। राइट वर्टिकली एंड सॉल्व, नाउ दिस फॉर्म इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फॉर्म। बच्चे जो एक लाइन में सीक्वेंस वाइज आपको लिखे जाए, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फॉर्म, वो कहते हैं आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म, गिवन है आप इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखें, वर्टिकल फॉर्म मीन्स अप एंड डाउन, अप एंड डाउन नंबर के नीचे नंबर लिखें और फिर उनको आपस में क्या करें, उनको आपस में आप फिर ऐड करें, ठीक है। आपको जो है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म गिवन है, आप इसको इनवर्टिकली लिख के, इनवर्टिकली मीन्स अप एंड डाउन नंबर्स को लिख के और फिर उसको सॉल्व करें। ऑपरेशन आपको गिवन है, साइन आपको एडिशन का गिवन है। सबसे पहले जो है आप फर्स्ट नंबर लिखोगे, ठीक है, फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है, 515,000, 515,000, ये 00 जो है एज इट इज़ आएंगे, ठीक है। 515,000 में आपने ऐड करना है 154,155। हम ऑपरेशन कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, प्लस का, तो इन नंबर्स को हम आपस में क्या कर देंगे, इन नंबर्स को हम आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। मीन्स 515,000 में आपने ऐड करना है 154,155, ठीक है। अब आपने इसको आपस में ऐड करना है, नाउ दिस फॉर्म इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फॉर्म एंड दिस अप एंड डाउन फॉर्म इज कॉल्ड वर्टिकल फॉर्म, ठीक है। नाउ 0 + 5, आपके पास 5 आ जाएगा, 0 मीन्स नथिंग, बच्चे एडिशन में 0 मीन्स नथिंग, लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन में ऊपर 0 आ जाए और नीचे बिगर नंबर आए, तो फिर हम साथ फ्रेंड से बोरो लेते हैं, लेकिन एडिशन में तो बोरो की जरूरत नहीं है, वो तो हम कैरी करते हैं ना। 0 + 5 आपके पास 5 ही आएगा, 0 + 5 अगेन आपके पास 5 आएगा, 0 + 1 आपके पास 1 आएगा, 5 + 4 आपके पास आ जाएगा 9, 5 + 1 आपके पास आ जाएगा 6 एंड 5 + 1 आपके पास आ जाएगा 6। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 669,155। नाउ दिस आंसर इज कॉल्ड सम, मीन्स आंसर ऑफ एडिशन इज कॉल्ड सम। जब भी हम टू नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं तो उसका जो आंसर आता है, दिस आंसर इज कॉल्ड सम, मीन्स आंसर ऑफ एडिशन इज कॉल्ड सम, ठीक है।
अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट है 383,881 में आपने ऐड करना है 20,881 को. अब आपने कैसे ऐड करना है, नाउ यू विल राइट 383,881. ठीक है, 383,881 में आपने अब ऐड करना है 20,881 को. अच्छा बच्चे, अब आपके लिखने का तरीका कैसे है, लिखने का तरीका आप ज़रा देख लें. अब आपके पास देखें यहाँ पे जो कॉमा है ना, कॉमा के नीचे ही कॉमा आएगा. ठीक है, तो आपने इसको कैसे सीक्वेंस वाइज ही लिखना है. मींस वंस के नीचे वंस का नंबर आएगा, यूनिट के नीचे यूनिट का, टेंस वंस के नीचे वंस का, टेंस के नीचे टेंस का, हंड्रेड के नीचे हंड्रेड का नंबर ही आपका जो है वो आएगा. ठीक है, एंड थाउजेंड के नीचे थाउजेंड का नंबर, एंड 10,000 के नीचे 10,000 का नंबर. अब यहाँ पे आपके पास 100,000 में मेंबर जो है वो स्किप है, एब्सेंट है. नाउ यू विल पुट ज़ीरो. आप क्या पुट करेंगे, ज़ीरो. और इन दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, आप ऐड कर रहे हैं. ठीक है, आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म गिवन है, आपने इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख के फिर क्या करना है, ऐड करना है. अब आप इसको ऐड कैसे करेंगे, एट प्लस वन आपके पास क्या हो जाएगा, एट प्लस वन आपके पास जो है वो हो जाएगा एट प्लस वन. ठीक है, आपने अब 8 प्लस 1 को क्या करना है, ऐड करना है. सही है, अच्छा जी. अच्छा बच्चे, एक और बात यह है कि आप जब भी एडिशन करते हो, यू विल बी स्टार्ट फ्रॉम द एंड साइड. जब हम प्लेस वैल्यू भी देते हैं तो हम हमेशा जो है वो 1 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इस तरह जब हम नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं, यू विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड साइड. आप हमेशा जब भी एडिशन करोगे हमेशा एंड से स्टार्ट लोगे. ठीक है, एंड से मीन्स वन से स्टार्ट लोगे. ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट नहीं, यू विल बी स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड. आपने हमेशा वन से एंड से जो है वो एडिशन को स्टार्ट लेना है. नाउ 8 प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 9. 8 प्लस 1 9. 8 प्लस 8 आपके पास क्या हो जाएगा, 16. 1 विल बी कैरी. जब आपके पास डबल डिजिट आ जाता है तो वहाँ पे बच्चे एडिशन में हम फिर कैरी करते हैं. ठीक है, अब 6 आपके पास पीछे नीचे टेंस के नीचे आएगा, 1 आपके पास 100 पे कैरी हो गया. अब 8 प्लस 8 16 प्लस 1 77. 1 विल बी कैरी. ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है 3 प्लस 1 4. अच्छा बच्चे, कैरी को आपने छोड़ना नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, कैरी जब आपके पास आता है तो काइंडली आपने कैरी को जो है नंबर्स में ऐड करना है, कैरी को आपने छोड़ना नहीं है. 3 प्लस 1 4. 8 प्लस 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 आपके पास हो जाएगा 10. 0 एंड 1 विल बी कैरी. नाउ 3 प्लस 1 इज 4. 3 प्लस 1 इज 4. अच्छा बच्चे, अब यहाँ पे मैंने आपको कहा है ना कि मेंबर स्किप था, तो आपने क्या पुट किया, आपने ज़ीरो पुट किया. ठीक है, मैडम अगेन बता देती है कि जब भी आप एडिशन करोगे तो एडिशन हमेशा आप एंड से स्टार्ट लोगे. ठीक है, कहाँ से स्टार्ट लोगे, एंड से स्टार्ट लोगे. ठीक है, और जहाँ पे बात कैरी की आ जाती है तो फिर आपने कैरी करना है जब नंबर जो है सिंगल नंबर से डबल नंबर पे एक्सीड कर जाए, मीन्स 9 से 10 आ जाए, 11, 12, 13 डबल डिजिट आ जाए, तो फिर वहाँ पे आपने जो है इस चीज़ को कैरी करना होता है. ठीक है, मैडम ने कैरी ऐड किया इन दोनों को आपस में, आपके पास आंसर आ गया 404,769. ठीक है, नाउ दिस आंसर इज कॉल्ड सम, मीन्स आंसर ऑफ एडिशन इज कॉल्ड सम. अच्छा जी, वो तो आपके पास क्वेश्चन था, राइट वर्टिकली एंड सॉल्व. अब आपके पास सिंपल एक क्वेश्चन है. नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐड द फॉलोइंग. क्या है, ऐड द फॉलोइंग. नाउ ऐड मींस ऐड करना, प्लस करना नंबर्स को. ठीक है, तो आप ऐड करोगे 415,617 एंड 121,125. इनको आपस में आप क्या करोगे, ऐड करोगे. क्यों करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो एंड लिखा हुआ है, दिस एंड दिस. ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऐड. आप क्वेश्चन को पढ़ो ना कि क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहे हैं. ठीक है, ऐड ऐड द फॉलोइंग, टू नंबर्स होंगे, बीच में एंड होगा, तो आपने इस एंड की जगह क्या पुट करना है, आपने इस एंड की जगह प्लस पुट करना है. ठीक है, एडिशन का साइन पुट करना है. आपके पास पहले क्या है, 415,617, इसी तरह 121,125. इनको आपने आपस में क्या करना है, इनको आपने आपस में ऐड करना है. नाउ अब हम अपनी एडिशन जो है वो स्टार्ट लेते हैं. 7 प्लस 5 इज 12. 2 इधर, 1 विल बी कैरी. ठीक है, 7 प्लस 5 आपके पास क्या आ जाता है, 12. 2 1 विल बी कैरी. नाउ 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 आपके पास क्या आ गया, 4. ठीक है,
सेवन प्लस फाइव इज़ ट्वेल्व। आप हमेशा जब भी एडिशन करते हो बच्चे, आपको क्लास थ्री में भी मैडम ने बताया होगा, क्लास टू में भी मैडम ने बताया होगा, ठीक है, कि आपने हमेशा स्टार्ट लेना है एंड से। एंड से आपने एडिशन भी करनी होती है, एंड से आपने सब्ट्रैक्शन भी करनी होती है, एंड से आपने मल्टीप्लीकेशन भी करनी होती है, ठीक है ना। सेवन प्लस फाइव इज़ ट्वेल्व, टू वन विल बी कैरी। नाउ वन प्लस वन टू, टू प्लस टू फोर, सिक्स प्लस वन इज सेवन, सिक्स प्लस वन इज सेवन कॉमा अपनी जगह फाइव प्लस वन इज सिक्स, ठीक है। फोर प्लस वन इज थ्री, टू सॉरी टू प्लस वन इज थ्री, फाइव प्लस वन इज सिक्स, टू प्लस वन इज थ्री, नाउ फोर प्लस वन इज फाइव। मीन्स इनको आपस में हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 536,742, ठीक है। ये था आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब हम आते हैं बच्चे, आपने क्लास थ्री में भी किया था कि जब आप एडमिशन के क्वेश्चंस करते हो देन फिर आप आते हो वर्ड प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है ना। जब आप एडिशन करते हो फिर आपने एडिशन के वर्ड प्रॉब्लम किया, फिर पहले आप नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन करते हो तो सब्ट्रैक्शन की वर्ड प्रॉब्लम करते हो, ठीक है। सो आज तो हमारा टॉपिक एडिशन है। पहले मैडम ने एडिशन की, पहले आपके पास नंबर जो है वो सिंगल थे, 10,000 तक गए थे ना, अब आपके पास नंबर जो है वो 100,000 तक चले गए हैं, ठीक है। सो अब हम आते हैं अपने वर्ड प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। नाउ दिस इज़ योर वर्ड प्रॉब्लम। अच्छा बच्चे, वर्ड प्रॉब्लम मैडम ने आपको जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था, क्लास थ्री की जब मैडम लेक्चर्स लेती थी तो मैडम ने बताया था आपको। अभी अगेन मैडम आपको बता देंगी कि आप बच्चे जब भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, ठीक है, जब भी बच्चे आप वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, सबसे पहले आप वर्ड प्रॉब्लम को वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम जो है वो रीड आउट करो कि आया वर्ड प्रॉब्लम में आपसे क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। फिर आप जब बच्चे वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम वर्ड प्रॉब्लम को रीड आउट करोगे ना, तो आपको फिर वहाँ पे एक चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी कि आपको पता लग जाएगा कि आया यहाँ पे आपने कौन सा वर्ड प्रॉब्लम जो है, कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। अब सपोज़ ये आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, ये आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम है, मैडम इसको वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम रीड आउट करते हैं। जब तक आपको इस वर्ड प्रॉब्लम की समझ नहीं आती कि स्टेटमेंट्स में वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, इस वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपने वर्ड प्रॉब्लम को समझना है कि आया वो वर्ड प्रॉब्लम में आपसे क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। जब आपको वर्ड प्रॉब्लम की समझ आ जाएगी कि वो आपसे वर्ड प्रॉब्लम में क्या पूछ रहे हैं, तो फिर आपने जो है आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आया इसमें हमने इस वर्ड प्रॉब्लम में कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब वर्ड प्रॉब्लम मैडम रीड आउट करना स्टार्ट करती हैं, इन एन इलेक्शन, इन एन इलेक्शन पहले मैडम रीड आउट करती हैं वन टाइम, टू टाइम, उसके बाद मैडम फिर आप इसको इसकी एक्सप्लेनेशन करती हैं, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वर्ड प्रॉब्लम किस चीज़ का है। इन एन इलेक्शन मिस्टर अली गॉड, ठीक है, आपके पास वो कहते हैं इन एन इलेक्शन मिस्टर अली गॉड 154,815 वोट्स एंड मिसेस जाहिद गॉड, एंड मिसेस जाहिद गॉड 100,880 वोट्स, फाइंड द टोटल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स दे गॉट। अगेन मैडम रीड आउट कर देती हैं, इन एन इलेक्शन मिस्टर अली गॉड 154,815 वोट्स एंड मिसेस जाहिद गॉड 100,880 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स दे गॉट। अच्छा जी, अब मैडम आपको इंदू भी समझा देती हैं, इन एन इलेक्शन वो कहते हैं एक इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन आपको पता है ना, जो हमारे फोर इयर्स बाद इलेक्शन जो होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह हम चूज़ करते हैं, इलेक्शन जो हमारे होते हैं, जो हमारे मम्मी पापा जो है वो वोट वगैरह डालते हैं, इलेक्शन उसको बोलते हैं, ठीक है। इन एन इलेक्शन वो कहते हैं एक इलेक्शन हुआ जिसमें मिस्टर अली गॉड, जिसमें मिस्टर अली ने कितने वोट, गॉड मीन्स हासिल करना, मिस्टर अली गॉड 154,815 वोट्स, वो कहते हैं एक इलेक्शन हुआ जिसमें मिस्टर अली ने कितने वोट्स जो है वो हासिल किए, 154,815, जबकि एंड मिसेस जाहिद, और मिसेस जाहिद ने कितने वोट्स जो है वो हासिल किए, 100,880 वोट्स, ठीक है। वो कहते हैं एक इलेक्शन हुआ जिसमें मिस्टर अली ने जो है इतने वोट्स जो है वो हासिल किए, जबकि मिसेस जाहिद ने इतने वोट्स जो है वो हासिल किए, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स दे गॉट, वो कहते हैं अब आया आप हमें बताएं कि आया इन दोनों को मिला के, टोटल मीन्स मिलाना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स दे गॉट, वो कहते हैं अब आप हमें बताएं कि आया इन दोनों को मिला के इन दोनों ने कितने वोट्स जो हैं वो हासिल किए हैं। यहाँ पे वर्ड आपके पास टोटल आ गया है, टोटल किस, जब हम आपको क्लास थ्री में मैडम ने बताया होगा कि जब वर्ड टोटल आ जाता है तो वहाँ पे हम नंबर्स को क्या करते हैं, आपस में ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं नंबर्स की, इनको आपस में हम जमा करते हैं, ठीक है। तो आपने बच्चे जो है इन दोनों को आपस में क्या करना है, फाइंड आउट, एडिशन करनी है, क्योंकि वर्ड यहाँ पे टोटल आ गया, टोटल में हम ऐड करते हैं, जमा करते हैं, सम करते हैं नंबर्स को, ठीक है ना। सो इट्स मीन ये वर्ड प्रॉब्लम आपके पास किस चीज़ का है, ये वर्ड प्रॉब्लम आपके पास एडिशन का है, ठीक है।
दोबारा मैडम एक्सप्लेन कर देती हैं कि एक इलेक्शन हुआ जिसमें मिस्टर अली ने इतने वोट्स जो हैं वो हासिल किए, जबकि मिसेस जाहिद गौड ने इतने वोट्स हासिल किए, फाइनल टोटल नंबर ऑफ वोट्स। अब आप हमें बताएं कि आया इन दोनों को मिला के इन्होंने कितने वोट्स जो हैं वो हासिल किए हैं। ठीक है ना बच्चे, अब आपके पास जब भी वर्ड प्रॉब्लम होती है तो वर्ड प्रॉब्लम में आपके पास जब जो भी कोई वर्ड प्रॉब्लम होता है उसमें आपके पास जो है वो स्टेटमेंट्स होती हैं। क्लास थ्री में आपके पास स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी चेंज थी, वो आपके पास सिंपल आप नंबर्स को ऐड कर देते हैं और लास्ट में आपके पास स्टेटमेंट आएगी। चूँकि अब आपका माशाल्लाह से बड़ा लेवल हो गया, क्लास फोर हो गया है, तो आपके पास हर वर्ड प्रॉब्लम में अपनी अपनी स्टेटमेंट्स होंगी। अब स्टेटमेंट्स कैसी होंगी, आपने बच्चे स्टेटमेंट्स जो है इस वर्ड प्रॉब्लम से ही लेनी है। देखें, इन इलेक्शन को छोड़ के मिस्टर अली गौड, क्या है मिस्टर अली गौड, मैंने एज इट इज लिख दिया मिस्टर अली गौड इज इक्वल टू। अब मिस्टर अली ने कितने वोट्स लिए, मिस्टर अली ने 154,815 वोट्स। मिस्टर अली ने कितने वोट्स लिए, 154,815, जबकि मिसेस जाहिद गौड, देखें पहले मिस्टर अली गौड इज इक्वल टू दिस वोट्स, बेशक आप यहाँ पे वोट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे बेशक जो है वो वोट्स भी लिख सकते हैं, क्लियर वोट्स, ठीक है। फिर है मिसेस जाहिद वोट, मिसेस जाहिद गौड, अब मिसेस जाहिद ने कितने वोट्स लिए, 100,880 वोट्स, ठीक है, आप बेशक ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मिस्टर अली ने कितने वोट्स लिए, 154,850, जबकि मिसेस जाहिद ने कितने वोट्स लिए, 100,850। नाउ अब आपके पास लास्ट स्टेटमेंट क्या आएगी, टोटल वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स भी आप लिख सकते हो, सिंपल आप स्टेटमेंट लिखोगे टोटल वोट्स। अब जैसे आप लिखते टोटल एग्स या टोटल फ्लावर्स आप लिखते थे ना क्लास थ्री में, लास्ट में ही सिर्फ स्टेटमेंट लिखते थे, जबकि यहाँ पे आप क्लास फोर, चूँकि आपका बड़ा लेवल है बच्चा, तो आपके पास हर एक स्टेटमेंट सेपरेटली आएगी, लाइक मिस्टर अली गॉट दिस वोट, मिसेस जाहिद गॉट दिस वोट, लास्ट में क्या आ जाएगा, फाइनल टोटल मीन्स टोटल वोट्स। आपने इसको आपस में क्या करना है, एड एडिशन का साइन पुट करना है। अब आप एडिशन स्टार्ट लोगे, और एडिशन हमेशा कहाँ से स्टार्ट लोगे, एडिशन हमेशा एंड से स्टार्ट लोगे। नाउ 5 + 0 आपके पास क्या आ जाएगा, 5 + 0 8 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास, 9, 8 + 1 क्या हो जाएगा, 9, 8 + 1 9, नाउ 8 + 8 आपके पास आ जाएगा 16, 6 1 विल बी कैरी, 1 क्या हो जाएगा आपके पास, कैरी हो जाएगा, कॉमा अपनी जगह आ जाएगा, 4 + 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 5, 5 + 0 आपके पास 5 ही हो जाएगा, 1 + 1 आपके पास 2 हो जाएगा। मीन्स इन दोनों के वोट्स को मिला के हमारे पास कितने वोट्स इन्होंने हासिल किए, 255,695 यहाँ पे वोट्स लिखते हैं, ठीक है, लेकिन मैडम ने यहाँ पे लिख लिया, ये भी ठीक है, ठीक है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। नाउ 255,695 मींस मिस्टर अली एंड मिसेस जाहिद के वोट्स को मिला के इन्होंने कितने वोट्स हासिल किए, 255,695। ठीक है बच्चे, आप जब भी बच्चे कोई वर्ड प्रॉब्लम भी जब आप अटेम्प्ट करते हो तो हमेशा वर्ड प्रॉब्लम को 1 time, 2 time, 3 time रीड आउट करो कि आया वर्ड प्रॉब्लम में वो आपसे क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, जब वर्ड प्रॉब्लम को बच्चे आप समझोगे ना तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने स्टेटमेंट्स भी इसी वर्ड प्रॉब्लम में से निकालनी होती है। ठीक है, ये तो मैंने वैसे जनरल एक वर्ड प्रॉब्लम लिखा है, कोई वर्ड प्रॉब्लम भी आपके पास आ सकता है, तो आप इस चीज़ में कन्फ्यूज़ नहीं होना, आप पहले वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से रीड आउट करो, मैं आपको कह रही हूँ ना रीड आउट करो, जब आप अच्छे तरीके से उसको रीड आउट करोगे, अच्छे तरीके से इसको समझोगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपने इसमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है। मैं बार बार कह रही हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम में आपके पास हमेशा जो है बच्चे वो स्टेटमेंट्स होती हैं, स्टेटमेंट्स जो है वो आपने नहीं छोड़नी। ठीक है, अब वही बात जब हम टू नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं, अब देखें हर एक ऑपरेशन का अपना आंसर का अपना अपना नेम है, मींस आंसर ऑफ एडिशन इज कॉल्ड सम, मींस कि जब हम टू नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं और आपके पास जो आंसर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सम। अब इन दोनों को हमने आपस में ऐड किया, इसका आंसर ये आया, इस आंसर को हम क्या बोलेंगे, सम बोलेंगे। ठीक है, दिस आंसर इज कॉल्ड सम, क्लियर, दिस आंसर इज कॉल्ड सम। आपने बच्चे इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आपने पहले वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। ठीक है, और यहाँ पे जब मैडम ने आपको एक और ये भी डिस्कशन आपके साथ की कि वर्टिकली फॉर्म हो गए, वर्टिकली हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि आपके पास न्यू वर्ड है ना वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल फॉर्म एंड वर्टिकल फॉर्म, हॉरिजॉन्टल फॉर्म जो है बच्चे आपके पास हमेशा सीक्वेंस वाइज एक लाइन में होती है, जबकि वर्टिकल फॉर्म मीन्स इसी स्टेटमेंट को अप एंड डाउन लिख के क्या करना है, आपने ऐड करना है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है, जो आंसर आपके पास आता है इसको आपने
आपस में ऐड करना होता है ना, तो सिंपल आपके पास जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म है इस हॉरिजॉन्टल फॉर्म को आप वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे और इसको आप आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हर एक एडिशन का अपना वर्ड प्रॉब्लम होता है, आप वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझो। ठीक है, क्वेश्चन को अगर वर्ड प्रॉब्लम के अलावा कोई और क्वेश्चन भी आए कि आप इसको आपस में ऐड करो, तो आप बच्चे इस चीज़ में कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है ना, आपने इस चीज़ में बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी या मैं इसको कैसे ऐड करूँगा या मैं क्या करूँगा। ठीक है ना, इस चीज़ में कन्फ्यूज नहीं होना, आपने वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझना है कि आया वर्ड प्रॉब्लम में वो आपसे क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, जब आप 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम वर्ड प्रॉब्लम को रीड आउट करोगे, समझ जाओगे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा स्टेटमेंट्स को भी लिखना। और कोशिश करें बच्चे इसी वर्ड प्रॉब्लम में से एज इट इज इसी तरह स्टेटमेंट लिखे, जैसे मैंने लिखा मिस्टर अली गॉड, देखें मिस्टर अली गॉड, मिसेज जाहिद गॉड, मैंने मिसेज जाहिद गॉड लिखा। अब वाई ना टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, आप टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स भी लिख सकते हो, टोटल वर्ड्स भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। ठीक है ना, इस चीज़ में आपने कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, अच्छा जी, आज का हमारा ये लेक्चर था एडिशन का था। इससे पहले लेक्चर हमारा जो था वो प्लेस वैल्यू था, प्लेस वैल्यू में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया उसके बाद एक टॉपिक प्लेस वैल्यू कराया गया था, दैट इज राइट इन नंबर्स। ठीक है ना, राइट इन वर्ड्स, हमने राइट इन वर्ड्स भी लिख लिया, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आए एडिशन, हमने एडिशन भी कर लिया। ठीक है बच्चे, चलिए थैंक यू सो मच, ओके, अल्लाह हाफिज़।